अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट प्रैक्टिस ऑफ प्रेसी। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जो कि थी हाउ टू स्टार्ट प्रैक्टिस ऑफ SC, और उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप SC की प्रैक्टिस किस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए उस बारे में बताया था। उसी तरह से आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि प्रेसी की प्रैक्टिस किस तरीके से स्टार्ट की जाए, कॉम्प्लेक्स प्रेसेस को पकड़ा जाए कि बेसिक को पकड़ा जाए, या कहाँ से पैसेजेस लिए जाएँ और किस तरह से प्रेसी की प्रैक्टिस को परसू किया जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है प्रिपरेशन का, ठीक है, यानी कि आप बिगनिंग पे हैं, ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन के दरमियान में आ चुके हैं, ठीक है, या फिर आप सिलेबस कवर कर चुके हैं, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो अगर तो बिगनर हैं आप, ठीक है, तो आपको एकदम से पास पेपर्स की प्रैक्टिस की तरफ नहीं चले जाना चाहिए, ठीक है। आपको पहले एक किताब है प्रेसी प्रैक्टिस बाय R. Dhillon, ठीक है, एक इंडियन राइटर हैं, उनकी किताब है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगी। वैसे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में वो शेयर की हुई है, अगर आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो किताब शेयर की हुई है, आप वहाँ से जाएं वो किताब को डाउनलोड कीजिए। उसमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पैसेजेस दिए हुए हैं, यानी कि सबसे पहले उन्होंने सिंपल पैसेजेस दिए हुए हैं, फिर मॉडरेट दिए हुए हैं, और फिर कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं। लेकिन आपने ज़ाहिर है वो सारी की सारी किताब नहीं करनी, अभी टाइम नहीं है। आपने सिर्फ वहाँ से सिंपल वाले पैसेजेस उठाने हैं और उसकी प्रेसी करनी है। उस किताब की मज़े की बात ये है कि वहाँ पर आपको वोकैबुलरी भी मिलेगी, ठीक है, जो मुश्किल वर्ड हैं पैसेज के वो भी मिलेंगे लिखे हुए, उसका मतलब लिखा हुआ, और साथ में आपको सॉल्व पैसेजेस भी मिलेंगे ताकि आप पहले खुद सॉल्व करें पैसेज को, उसकी प्रेसी बनाएं, और उसके बाद जो सॉल्व प्रेसी है उसके साथ अपने प्रेसी को मैच कर लें और आप देखें कि आपकी प्रेसी में कितने लूप होल्स हैं, ठीक है, और आपने क्या क्या उसमें गलतियाँ की हैं। जब आप बेसिक पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस कर लें, देखें उस बुक में तो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो सिर्फ आपने उसी पे नहीं रहना, मैं चाहती हूँ कि आप डिफरेंट जगहों से करें ताकि आपको वैरायटी मिले। तो जब आपने तकरीबन 10 से 15 प्रेसेस कर ली ना प्रैक्टिस आर धिलोन वाली बुक से, ठीक है, उसके बाद आप शिफ्ट हो जाएं डॉन के एडिटोरियल्स पे। मैं आपने क्या करना है, आपने जाना है एडिटोरियल पेज पे, साइट पे आपको कॉलम नज़र आएगा, उसमें कंपैरेटिवली छोटे होते हैं आर्टिकल्स, ठीक है, तो आपने वो पकड़ने हैं, वो बड़े वाले नहीं पकड़ने, उसकी तो प्रेसी फिर बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी। तो आपने वो छोटे एडिटोरियल्स उठाने, ठीक है, और आपने उसकी प्रेसी बना लेनी है, सही हो गया। तो ये ज़रा मॉडरेट लेवल की प्रेसेस हो जाएंगी। उसके बाद जब वो भी 10-15 आपने कर ली प्रैक्टिस, उसके बाद आपने शिफ्ट करना है पास पेपर्स पे, ठीक है। और पास पेपर्स के लिए भी मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि अगर देखा जाए ना तो ऑनलाइन 1971 से ऑनवर्ड पास पेपर्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपने 1971 से प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि तब पैटर्न और था, ठीक है, और किस्म की प्रेसेस आती थी, वो तो 1.5 फुट लंबी प्रेसेस हैं, और वो अगर आप करने बैठेंगे तो वो आपका 2 दिन तो कहीं नहीं गए ना। लेकिन वो वाली आपने प्रेसेस नहीं प्रैक्टिस करनी, आपने स्टार्ट करनी है प्रैक्टिस 1985 से ऑनवर्ड, ठीक है, क्योंकि 1985 के बाद पैटर्न फिर बदल गया था और छोटी प्रेसेस आती थी, और अभी भी छोटी ही आती हैं। हाँ, कॉम्प्लेक्स ज़रूर होती हैं, लेकिन इतनी कोई उस तरह से लंबी नहीं होती, ठीक है। 1971 से ऑनवर्ड जो हैं वो प्रेसेस लंबी भी बहुत हैं, कॉम्प्लेक्स भी बहुत हैं, ठीक है, और उसमें गलतियाँ भी बहुत हैं। अगर आप देखें कभी खोल के, आपको इतफाक़ हो तो आप देखिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। मैंने कोशिश की है वो करने की सोल, इसलिए मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, और अब वो पैटर्न आता भी नहीं है, तो आप लोग इस तरह से सर खपाई ना करिएगा जो मैंने की है। बस आपने इस तरह प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, ठीक है, और इस तरह से शिफ्ट करना है बेसिक टू मॉडरेट, मॉडरेट टू कॉम्प्लेक्स। और पास पेपर्स की जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर मुझे लगता है कि फेब भी आ ही जाएगा, सही है, तो आपकी परफेक्ट हो जाएगी प्रेसी। और साथ साथ आप ज़रूर किसी मेंटोर से भी चेक करवाएं ताकि आपको आपकी गलतियों का पता चले। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो आर धिलोन वाली किताब से आप वो मैच कर लेंगे, यानी कि वो आप मैच कर लेंगे और आपको मेंटोर की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स उठा सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ,
10 तरीकों से प्रेसेज डिफरेंट तरीकों से लिखी जा सकती है एक पैसेज की, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जो है वो प्रेसे ठीक हो और बाकी सब गलत हो, नहीं, वो 10 तरीके ही ठीक हो सकते हैं, सही है। तो आपने बेसिक अपनी इंग्लिश चेक करवानी होती है, ठीक है, आपने बेसिक जो प्रेसे के रूल्स होते हैं वो चेक करवाने होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इवेल्युएशन, इसके बगैर गुजारा नहीं आपका, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है आपके लिए। अगर आप चेक नहीं करवाएंगे तो आप जनवरी तक भी उसी लेवल पे, सेम लेवल पे होंगे, सेम गलतियों पे होंगे जो कि आप अभी करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं है, ठीक है ना, अपनी गलतियों का तो नहीं पता चलता, पता चलता होता या पता होता तो फिर करते ही क्यों ना, ये बात होती है। तो खैर, किसी भी मेंटोर को चेक करवा लें, मुझे चेक करवाना चाहते हैं तो मुझे चेक करवा लें, ठीक है, ईमेल के थ्रू मुझसे रब्ता कर लें, ठीक है, मैं आपको जो भी फ़ीस स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता दूँगी, और बस अपनी तैयारी को ज़रा तेज़ कर लें, टाइम कम है, सही है, और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो के, डिटर्मिंड होकर पढ़ें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।